सोच जरूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे तो ये सब प्लान रेडी हो। और अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार है जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं। इस वजह से यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में एक दिन में कोरोना के केस 13,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले दिन की तुलना में यह थोड़ा कम है, लेकिन चिंता बनी हुई है। खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना जिस तेजी से फैला है उसके लिए पर्याप्त तैयारी नहीं थी। बार से अब की फर्क इतना पड़ा है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के नाते इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ है और स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था, मगर अब ये हमको समय मिल गया तो हमने उसको ठीक भी कर दिया। हमारी टेस्टिंग हमने आरटीपीसीआर का लगभग 1,00,000 तक हम पहुंचा चुके हैं उससे, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जहां भी मिनी कंटेनमेंट जोन या जो भी हमारा कंटेनमेंट एरिया होता है उसमें 100% उसमें उसके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन भी करना और उनका टेस्टिंग भी करना, और उस परिवार या उस व्यक्ति का जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका पूरा 100% 48 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना अनिवार्य, तभी हम उस चेन को रोक पाएंगे। और सीधे चलते हैं लखनऊ शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि तैयारी पूरी नहीं थी, पूरा एक साल मिला उसके बाद भी सरकार की तरफ से तैयारी पूरी नहीं थी, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और अभी जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो ये कि वैक्सीन सेंटर्स पर लोग जा रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, दूसरी डोज लोग नहीं ले पा रहे हैं या पहली डोज कई लोगों ने अभी तक नहीं ली है, तो और कितना समय चाहिए तैयारी के लिए? देखिए श्वेता, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति और राज्यों से थोड़ी ज्यादा अलग है। उसकी वजह यह है कि बड़ा राज्य है, दूसरी बात यह है कि यहाँ केसेस जो आ रहे हैं उनके नंबर्स बहुत बड़े हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,685 केस ही आए, लेकिन उससे पहले 15,000 केस थे। अकेले राजधानी लखनऊ में 4,500 केस आ जाना बड़ी बात है, और पिछली बार जब फर्स्ट वेव थी उस दौरान भी इतने तेजी से नंबर्स नहीं बढ़े थे, इसीलिए सरकार की चिंता भी। अब इसका नतीजा ये है कि तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में बेड की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए वेटिंग हो रही है, एम्बुलेंस में डेड बॉडीज वेट कर रही हैं, और जो स्लैब जिन पर रखी जाती है डेड बॉडीज वो स्लैब तक भर चुके हैं, जमीनों पर लोगों को लाशें जलानी पड़ रही हैं। ये हालात हो गए हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहते हैं कि उनकी वो तैयारी नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा स्वीकृति है, क्योंकि इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में जिसमें पहले से अंदाजा था सेकेंड वेव मुश्किल करेगी, ऐसे में अगर तैयारी नहीं कर पाए तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं फेल्योर है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक रोज मीटिंग्स और रोज निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि अभी भी केसेस कंट्रोल से बाहर हैं। उसकी दो वजह हैं, एक तो जो माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं उनकी अब जो है नंबर ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, दूसरे लोग भी लापरवाही कर रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए हैं कि मूवमेंट किस तरह से होगा, और कुछ जिलों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि और सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि उनकी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो भी सतर्क रहें और तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अब बात हम कर लेते हैं भोपाल की, जहां पर कल से आपको बता दें कि हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के आपको बता दें 6,489 नए केस सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में मध्य प्रदेश में पहले इतनी मौत नहीं हुई थी। कोरोना केस के मामले में इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा है, इसी वजह से भोपाल में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन से पहले हड़बड़ी में लोग खरीदारी करते हुए भी नजर आए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि भोपाल में सोमवार रात 9 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, और इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भी उन शहरों में शुमार हो गई है जहां पे अब लॉकडाउन रहेगा अगले पूरे एक हफ्ते तक। आपको बता दें कि इस दौरान क्योंकि मध्य प्रदेश के तकरीबन 19 शहर ऐसे हो गए जहां पे अब लॉकडाउन हो गया है। भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे थे और सवाल उठ रहा था कि आखिरकार भोपाल को लॉकडाउन से अछूता क्यों रखा गया है, लेकिन अब कलेक्टर ने फैसला कर लिया और इसलिए अब आप देख सकते हैं लोग तमाम जो है पहुंच रहे हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी है कि लॉकडाउन लग गया है
वो सब अगले एक हफ्ते का सामान अभी से ले करके रख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन रहेगा जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको छूट रहेगी, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, यानी जो राशन की दुकानें हैं वो तो खुली रहेगी, हालांकि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं केवल वही इसके अधीन आएगी, बाकी किराने की जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी अगले एक हफ्ते तक। इस बात ध्यान रखा गया है कि जो मजदूर होंगे अगर वो किसी उद्योग में जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, तो उनको आने जाने की छूट रहेगी। इसके साथ ही जो आईटी कंपनियां हैं उनको ज़रूर यहां पे इस दौरान छूट रहने जा रही है। परीक्षा अगर किसी की है तो परीक्षा केंद्र में जा सकता है, उनके लिए छूट है। और साथ ही में जो टीकाकरण कार्यक्रम में जो स्टाफ लगा हुआ है उन्हें भी छूट रहेगी। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग अब इकट्ठा करके सामान अब एक हफ्ते के लिए कम से कम ले करके जाना शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, क्योंकि एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन लगा है। हालांकि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा है नहीं, इस पे अभी सवाल है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हम चलेंगे रवीश के पास, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि इंदौर के जिलाधिकारी वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यदि आप लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो इसमें आप अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं, और शहर की सुरक्षा भी जोखिम में है। इस मामले में लेकर कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बट उसके बाद भी लोग लगातार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। इनको कोशिश की है जो पुलिस में लोग करते हैं कि उठक बैठक के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर मेरी गलती है, मुझे नहीं निकलना चाहिए, तो अपनी गलती को मान रहे हैं। तो इसके बाद अब इसके यदि पकड़े जाएंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। और चलते हैं रवीश के पास, जो कि इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, इंदौर के जिलाधिकारी की हमने बात सुनी और उससे पहले एक रिपोर्ट भी हमने देखी थी, ये बताइए लॉकडाउन तो लग गया, सरकार ने फैसला ले लिया क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए, लेकिन लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल वहां पर। रवीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में भी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और लगातार वहां पर भी मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में, मुंबई में सामने आ रहे हैं केसेस, उसी तरह से भोपाल, मध्य प्रदेश में भी कुछ उसी तरह का हाल है। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।